हर वर्ष 5 सितंबर को देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये दिन बच्चों के लिए बेहद खास है। इस दिन बच्चे अपने गुरुजनों को उपहार देकर उन्हें न केवल सम्मानित करते हैं बल्कि स्नेह और सम्मान भी प्रकट करते हैं। इस दिन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और शास्त्र के ज्ञाता, दार्शनिक, सनातन संस्कृति के संवाहक और प्रख्यात विचारक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ। उनके सम्मान के प्रति हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर स्कूल और कॉलेज में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों की प्रतिभा तराशने के साथ साथ शिक्षकों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है। इसके लिए बच्चों में उत्साह और उमंग रहता है, पहले से तैयारी में जुट जाते हैं। और इसी कड़ी में सोमवार को चित्रगुप्त इंटर कॉलेज विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर एपी शमशेरी ने सभी छात्रों का उत्साहवर्धन किया। विद्यालय के उप प्रधानाचार्य राकेश कुमार वर्मा ने छात्रों को संबोधित किया। छात्रों ने अपने चित्रों का प्रदर्शन विद्यालय के सहायक अध्यापक डॉक्टर नवनीत गोस्वामी के निर्देशन में विद्यालय के छात्रों द्वारा शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की रंगोली से पोर्ट्रेट को बनाया। इस अवसर पर पंकज शर्मा, मोहम्मद सारे, पवन पाल, विशाल, अनुज त्यागी आदि का विशेष सहयोग रहा। आज असल में हमारे विद्यालय के छात्रों ने शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो अपने जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का आह्वान कर गए थे, वो हमारे शिक्षकों के मसीहा के रूप में शिक्षक समाज उनको देखता है, तो शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर आज हमारे विद्यालय के छात्रों ने डॉक्टर नवनीत गोस्वामी जी के निर्देशन में एक उनका भव्य चित्र यहाँ विद्यालय प्रांगण में बनाया है और उनके प्रति अपनी सम्मान, अपनी श्रद्धा प्रस्तुत की है। क्या उद्देश्य रहता है गोस्वामी साहब आपके पूरा कार्यक्रम? इसका सिर्फ मेन उद्देश्य यही है कि कलाओं के माध्यम से आप अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं और बच्चों को हम इसलिए प्रेरित करते हैं कि अपने जो बच्चे बोल नहीं पाते वो अपना कलाओं के माध्यम से अपने जो उनके थॉट्स हैं वो निकल कर आते हैं, उनके जो विचार हैं, और एक अच्छे देने की कोशिश करते हैं। कितने फुट का बनाया था आपने ये? आप पूरा देख रहे होंगे, यहाँ पे बास्केटबॉल ग्राउंड है, पूरा ग्राउंड में बनाया है और रंगोली के माध्यम से और ये नेचुरल कलर्स से यूज़ किए हैं।